मेरे घर के बाहर एक पेड़ है समी का। उस पेड़ पे बुलबुल चिड़िया रहती हैं, जिन्होंने अपना घोंसला बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उनके घोंसले को किसी ने तोड़ दिया। कुछ दिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो बंदरों का काम है। उन चिड़ियों ने फिर से बनाया बड़ी मेहनत से अपना घोंसला। एक हफ्ते बाद बंदरों ने उसको भी उजाड़ दिया और उनके अंडे खा गया, तोड़ दिया, खा गया, व्हाटएवर, ये मुझे नहीं पता, बट बंदरों ने तोड़ दिया, ये मैंने देखा। तीसरी बार बनाया जब तो पानी ने, बारिश ने, हवाओं ने उनका घर तोड़ दिया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात थोड़े थोड़े अपना अरेंज कर कर जो उनपे उन्होंने लगाते हैं घास फूस, उससे अपना घोंसला बनाना स्टार्ट किया। मैंने देखा, मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों के लिए एक छोटा सा घर बना दिया जाए। अगर उसमें रहना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी और बारिश और बंदरों से भी इनकी बचाव हो जाएगा और बाहरी जो भी कोई चीज़ अटैक करता है उससे भी बच जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि उस बनाने का प्रोसेस क्या था और क्या क्या चीज़ें मैंने लगा के तैयार होने के बाद उनका जो बर्ड हाउस है वो कैसा दिखता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल द मनु एक्सप्लोरर। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए बर्ड का बर्ड हाउस। तो इसके लिए मैंने हार्डबोर्ड लिया है, आप कोई और भी चीज़ लकड़ी ले सकते हैं या तो किसी भी तरह का सनमाइका वगैरह या प्लाईवुड ले सकते हैं। और यहाँ पे 16x16 सेंटीमीटर का मैंने एक स्क्वायर में उनका घर बनाने के लिए मैंने कट कर लिया है। ये हेक्सा ब्लेड से मैं कट कर रहा हूँ। मेरे फादर भी लगे हुए हैं इस काम में, काफी मेहनत कर रहे हैं वो भी। देखिए, पहले मैं किसी और चीज से काट रहा था हेक्सा ब्लेड से, बाद में मुझे ये दूसरा मिला, ये नहीं, इससे पहले जो यूज कर रहा था, आरी जिसको बोलते हैं, उससे बहुत इजीली कट रहा था। हेक्सा ब्लेड से टफ हो रहा था काटना। अब ये दूसरा पीस यहां से काटना है, ये है एक्चुअल आरी जिसे काटने में टाइम लगता है। ये देखिए, ये 16x16 सेंटीमीटर का कट गया और ये 16x16 है बट 45 डिग्री में है और ये इस तरह से है। नीचे वाला 16 सेंटीमीटर चौड़ा है और 20 सेंटीमीटर लंबा है, ये देखिए। यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड कोन बना दिया है ताकि हाउस की जैसा दिखे। आप अगर नहीं चाहते तो स्क्वायर में केवल कुछ भी ऊपर रख के फिक्स कर सकते हैं। देखिए, कोन मैंने बनाया है, आप कोन ना बनाइए तो प्लेन सरफेस पे भी कुछ रख के चिपका सकते हैं। ये बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और यहाँ पे एक सर्कल काटना है ताकि जिसमें चिड़िया जा सके अंदर। तो बुलबुल हैं तो बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती हैं, तो बहुत बड़ा होल करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चिड़िया होती है, आराम से चली जाएंगी। तो एक राउंड सर्कल बना के उसमें काट लिया और यहाँ पर ड्रिल कर लेते हैं छोटा छोटा, क्योंकि ऐसा राउंड काटने का इक्विपमेंट नहीं है। तो ड्रिल करने के बाद राउंड में उसको मैंने थोड़ा थोड़ा पुश कर दिया और ये आराम से बाहर निकल जाएगा। देखिए, अब इस सरफेस को जो थोड़ा सा निकला हुआ है उसको रेती से रेत देते हैं ताकि स्मूथ हो जाए राउंड में। अब आ रही है इसमें ब्लैक पेंट करने की। कलर कुछ भी चूज कर सकते हैं। पेंट इसलिए किया क्योंकि देखने में अच्छा लगे, दूसरा ये हार्डबोर्ड है तो थोड़ा मॉइस्चर को बचाएगा, पानी से भी बचाएगा। आगे वाला फ्रंट मैंने ग्रीन से कर दिया है। देखिए, सारे पार्ट इसके कलर हो गए, आगे का ग्रीन हो गया। थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं और उसके बाद इसको पॉलीथीन से एक लैमिनेशन वाली आती है, नॉर्मली ये फोटो फ्रेम वाले यूज़ करते हैं, उसे लैमिनेट कर देते हैं ताकि अगर बारिश का पानी हो या मॉइस्चर से बच सके और ख़राब ना हो जल्दी। तो देखिए, लैमिनेट कर देते हैं इसको खींच के और बाकायदा उसमें छोटी छोटी कील लगा के, फेविकोल लगा के इसको मैंने पैक कर दिया ताकि इसमें हवा पानी इंटर ना कर सके। और इसको फिर स्क्रू से काटी से फिक्स करता जा रहा हूँ। देखिए, और बीच बीच में फेविकोल लगा दे रहा हूँ जो भी स्पेसेस है ताकि अच्छे से जॉइंट हो जाए। और आगे की ओर एक रबड़ लगा दिया मैंने, ये नॉर्मली फोटो फ्रेम के पास होता है ताकि स्मूथ दिखे। और एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था इसको आगे लगा देते हैं ताकि चिड़ियों के बैठने के लिए एक स्टैंड हो जाए। इसको भी कील से फिक्स कर देते हैं, सॉरी स्क्रू से।
और इसको लगा के स्क्रू से टाइट कर देते हैं, और बाकी जगहों पे कॉर्नर पे फेविकोल लगा के स्टिक कर देते हैं इसके सारे पार्ट। आगे का पार्ट है, इसमें भी फेविकोल लगा दें ताकि फिक्स हो जाए। और देखिए ये लुक ऐसा आया, चारों अच्छे से चिपक गया है बिल्कुल, काटी और फेविकोल से मैंने स्क्रू से लगा दिया है, सॉलिड हो गया है। पॉलिथीन भी देख सकते हैं, बिल्कुल छत बनना बाकी है। तो छत के लिए भी ये हम यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली जो बाथरूम वगैरह में डूर लगता है, जो एल्युमिनियम का डूर होता है उसी का पार्ट है ये। और ये पीछे एंगल टांगने के लिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो दो एंगल मैं लगा देता हूँ इसमें, तीन स्क्रू से टाइट हो जाते हैं। और छोटा छोटा ड्रिल कर लेते हैं, चार ड्रिल करेंगे ताकि स्क्रू से इसमें टाइट कर सकें हाउस के ऊपर। ये देखिए फिट बैठ गया, और यहाँ स्क्रू से हम टाइट कर देते हैं। टोटल चार स्क्रू डाले हैं इसमें मैंने, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी पॉलिथीन ऊपर की हटानी है, थोड़ा बहुत गैप था तो उसको हैमर से पीट के सही कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिव कुछ भी लगा सकते हैं, कैसा कलर करना है क्या नहीं करना है। ऊपर का पॉलिथीन हटा दिया मैंने, और ये छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ नीचे लगाने के लिए, गुटका बोलते हैं जिसको, चार गुटके हो गए। अब इस पे अगर रखा जाएगा तो पॉलिथीन घिसेगा नहीं, देखिए ऐसे। और इनको चिपका देते हैं, और ऊपर का सरफेस जहाँ जहाँ पे ब्रेक था वहाँ पे मैं एम सील फिल कर देता हूँ, पीछे के साइड में भी एम सील जहाँ जहाँ भी गैप था। और थोड़े बहुत मैंने इस पे चमकीले लगा दिए ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये फाइनली हमारा तैयार हो गया है, हर एंगल से आप देख सकते हैं, जूम जूम आउट, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको घर में भी टांग सकते हैं शो पीस की तरह, बट मैंने कहा नहीं, चिड़ियों के लिए बनाया तो एटलीस्ट उन्हीं के लिए होना चाहिए। देखिए बिल्कुल टॉप व्यू आ रहा है हमारा। देखिए इसमें पॉलिथीन पे पानी ऊपर की तरफ लग जा रहा है, और आराम से क्लीन हो जा रहा है। बाहर का नजारा ऐसा दिखेगा ग्रीनरी के साथ में। आज लेकिन बहुत बारिश हो रही है, इनका घोंसला बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो आज नहीं लगा पाया। इस वजह से देखिए पूरा इनका डिस्टर्ब हो गया, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और इस बारिश की वजह से इन लोगों का घर टूट गया है। देखिए बादल भी चमक रहे हैं बहुत तेज़ी से, और अच्छी खासी बारिश हो रही है। डोंट नो लोग कहाँ पे होंगे क्या हैं। दूसरा दिन और लगाने की तैयारी, पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं कितने डिस्टेंस पे लगाना है, कील कितने डिस्टेंस पे ठोकनी है, और उसके बाद आरसीसी कील आती है उसको लगाने स्टार्ट करते हैं। वैसे इसमें ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधा हैमर से ही इसको लगा दे सकते हैं। एक हो गया, और 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है बिटवीन, 10.5, तो 10.5 का मेजरमेंट लेके दूसरा वाला कील भी लगा देते हैं। इसको ठोकते वक्त हमारे नाखून में भी लग गया था, 2-4 दिन पेन हुआ, खैर इतना तो चलता है। और ये हमने कर दिया फिक्स, इस पर अच्छे से बैठ गया है। अब देखना ये है कि ये कितना टाइम लेती है उनको आने में। हमारे भांजी जी थोड़ा और एडजस्ट कर रहे हैं, आगे उसके प्लांट वगैरह का लीफ कर दिया ताकि देखने में अच्छा लगे, उनको कंफर्ट फील हो। अब वेट करते हैं कि कब आते हैं लोग, कब इसमें बैठना स्टार्ट करते हैं रहना। होप्स अगर आना स्टार्ट कर दें तो सारी मेहनत अच्छी हो जाएगी हमारी, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए अगली वीडियो में दिखाते हैं, अगर उन्होंने बैठना स्टार्ट किया तो उसकी एक वीडियो आपको दिखा देंगे हम। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए चैनल द मनु एक्सप्लोरर। थैंक यू।